कल के दिन आपको बताया था कि ZK कॉइन लॉन्च होने वाला है, यानी कि लिस्टिंग होने वाली थी बाइनेंस के ऊपर। और बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग जब भी होती है, और वो भी बड़े प्रोजेक्ट की होती है, तो हमेशा प्राइस हज़ारों परसेंटेज से बढ़ता ही बढ़ता है, यानी कि 6000%, 10000% इस तरीके से बहुत ही ईजिली हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। लेकिन जी ZK जिंक का जो जी के नाम से कॉइन आया था, अभी इसमें प्रॉफिट मिला या नहीं मिला वो तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इसमें क्या है कि लगातार ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आई हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो दो तीन प्रॉब्लम्स तो मेन है, जिस जो अभी सॉल्व भी हो जाएंगी, सॉल्व होने के साथ साथ यहां पे द वापिस से ये जो जी के प्रोजेक्ट है आपको मिल सकता है। और यहां पे एक बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गई थी, और अभी जितनी नीचे आई है ये बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं आई है, यानी कि अभी भी सही प्राइस चल रहा है। अगर आप इस प्राइस पे बाय करना चाहते हैं तो तब भी सही है। और इसका अगर मार्केट कैप देखते हैं तो लगभग $700 मिलियन के आसपास चल रहा है, वॉल्यूम जो चल रहा है $1 बिलियन के आसपास चल रहा है 24 आवर्स का। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट अच्छा ही चल रहा है, यानी कि मार्केट कैप के हिसाब से इसने पहले दिन में 88th पोजीशन बना रही है, तो ये भी बहुत ही बड़ी बात है। और अभी क्या है कि धीरे धीरे आने वाले दिनों के अंदर ये इंडियन एक्सचेंजेस या फिर ऐसी जो छोटी मोटी एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर भी आना शुरू हो जाएगा, और इसमें प्रॉफिट हमें डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, और बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी हमें मिल रही है। तो इसका डिटेल में बात करेंगे क्यों प्राइस नहीं बढ़ा था और कैसे प्राइस ही बढ़ने वाला है आगे आने वाले समय में, कहां तक प्राइस जाएगा। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, वॉलफूड पर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो वॉलफूड ऑफिशियल, आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मार्केट देखते हैं तो ओवरऑल मार्केट थोड़ी बेरिश चल रही है। अगर हम फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स देखते हैं तो ऑलमोस्ट सेम ही है, यानी कि 55 कल भी था आज भी है, न्यूट्रली चल रहा है। BTC की वैल्यू $65,000 के आसपास आ चुकी है, यहाँ से डर यही है कि क्या ये वापस $63,000 या फिर $60,000 के उससे नीचे तो नहीं चला जाएगा। तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन ही बन चुके हैं अभी मार्केट में, जिसके ऊपर सारे के सारे ऑल्टकॉइंस भी निर्भर कर रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ZK सिंक, यानी कि ZK कॉइन के बारे में। $0.198 के आसपास चल रहा है, यानी कि सिर्फ 20 सेंट के आसपास चल रहा है, और हाईएस्ट इसका जो प्राइस गया था वो भी कोई खास नहीं गया था, 0.3 या 0.33, यानी कि 33 सेंट के आसपास ही गया था। तो ड्रॉप मैंने आपको बोला था कि ड्रॉप मिलेगा तो आप बाय करना, तो आई थिंक ये बिल्कुल सही है, अभी आप इसको बाय भी कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले कि इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट क्यों नहीं मिला है इस, और इसको क्या सॉल्व किया जा रहा है या नहीं, क्योंकि आज अगर आप बाय करते हो तो क्या ये आने वाले समय में आपको अच्छा प्रॉफिट देने वाला है या नहीं। क्योंकि अगर हम सिर्फ फंडामेंटल्स देखते तो फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग चल रहे हैं इस वक्त, क्योंकि प्रोजेक्ट ही बहुत ज़्यादा यूनिक है। आपको बताया था कि ये एक्सपेंडेबल है, यानी कि इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, इसमें इलास्टिसिटी बहुत ही ज़्यादा है, एज़ पर रिक्वायरमेंट इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। तब इसमें क्या हुआ कि ZK सिंक में नेटवर्क स्ट्रेन्स आए, स्कैम थ्रेट्स भी हमें देखने को मिले, तो इसकी जो लिस्टिंग थी, लिस्टिंग होने के साथ साथ इसकी जो 21 बिलियन ZK की टोटल सप्लाई है, यहाँ पे कैपिटलाइजेशन इन्होंने लगभग ऑलमोस्ट $1 बिलियन एक बार सडनली अचीव कर ली थी, लेकिन प्राइस एकदम से नीचे गिरना शुरू हो गया। इसका मेन रीज़न क्या रहा कि ये जो ZK सिंक का अपना जो नेटवर्क है इसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी, बहुत ज़्यादा लोड बढ़ गया था, परफॉर्मेंस डिग्रेड हो चुकी थी। इसका रीज़न था रिमोट प्रोसीजर कॉल सर्विसेज जो कि बहुत ज़्यादा लो हो चुकी थी। तो इसको RPC बोला जाता है, RPC में क्या है कि कम्युनिकेशन होता है नॉट्स में और नेटवर्क ऑपरेशंस में। तो ये जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा लोड होने की वजह से RPC की कैपेसिटी कम होना शुरू हो चुकी थी, यानी कि बहुत लिमिटेड पढ़नी शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस लो हो गई थी। लेकिन इसके बाद इन्होंने ऑफिशियली ट्वीट भी किया था कि ये RPC की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने वाले हैं, तो ये सबसे बड़ा इशू हुआ था। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर चलो कि सोलाना के साथ ऐसा कई बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। अभी सोलाना थर्ड बेस्ट ऑल्टकॉइन चल रहा है और इसका जो मार्केट कैप है लगभग तीसरे के हिसाब से ही है, यानी कि $62 बिलियन के आसपास इसका मार्केट कैप चल रहा है। सोलाना में ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं, हमेशा आई हैं, लेकिन सोलाना रिकवर भी किया है। सिमिलरली ZK में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, स्टार्टिंग में काफ़ी सारे नेटवर्क्स में प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन बहुत ही जल्द सॉल्व भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम जो आई थी वो ये है कि इन्होंने लगभग 7 लाख वॉलेट्स जो थे उनको एलिजिबल बनाया था कि उनको एयरड्रॉप मिलने वाला था, ZK टोकन का एयरड्रॉप मिलने वाला था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि काफ़ी सारे फेक जो मेलिशियस डैप्स थे ZK सिंक के नाम से वो बनकर सामने आए, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों के साथ स्कैम भी हुआ है, यानी कि उनको गलत ZK कॉइन्स मिले। तो आपके साथ भी ऐसा कभी भी हो सकता है, आपको अगर फेक कॉइन मिल रहा है और उसको अगर आप ट्रांजैक्ट करते हो तो आपका पूरा का पूरा वॉलेट एक ही बार में खाली हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम के साथ क्या है कि एयरड्रॉप का मेन कंसर्न आया कि एयरड्रॉप ये सही ढंग से नहीं दे पाए। इन्होंने बोला था कि बहुत अच्छे एयरड्रॉप होंगे लेकिन देंगे, लेकिन ये जो कम्युनिटी है उनको एप्रोप्रिएट एयरड्रॉप नहीं मिला। तो यहाँ पे समय दिया गया 17 जून से लेकर 16 जुलाई तक, यानी कि एक महीने का टाइम है जिसमें इन्होंने 10.5 मिलियन ZK टोकन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ पे
पॉसिबिलिटी ये भी है जिनके पास जैसे एयरड्रॉप जाएगा हो सकता है कि वो इसको सेल कर दे, लेकिन होल्डर्स भी काफी सारे रहने वाले हैं जिससे प्रोजेक्ट और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, मार्केट में सर्कुलेशन जाएगी, सर्कुलेशन के साथ साथ इसकी ट्रेडिंग भी और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक सबसे बड़ा मेन कंसर्न रहा है क्योंकि बहुत सी कम्युनिटी ऐसी थी जो कि बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाकर बैठी थी कि ZK का एयरड्रॉप मिलने वाला है, लेकिन ये जो एयरड्रॉप था वो बहुत ही छोटा अमाउंट मिला है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आई कि जो टोकन एलोकेशन थी वो एलोकेशन बहुत ज़्यादा कम आई है, यानी कि टोटल जितना इनको मिलना चाहिए था मिला नहीं है उतना। तो ये एक सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रही है सभी इन्वेस्टर्स की। और ऐसा भी हुआ कि कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ जो एलिजिबल थे यानी कि उन्होंने क्राइटेरिया मीट किया था लेकिन उनको एयरड्रॉप मिला ही नहीं। अब इन्होंने लगभग $20 मिलियन की गैस फी इकट्ठी करी है इसी नेटवर्क के द्वारा, लेकिन उतना ये एयरड्रॉप नहीं दे रहे हैं। अभी क्या होता है कि आप कोई भी नए प्रोजेक्ट के साथ जुड़ते हैं, वहाँ पर ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन करने के साथ साथ प्रोजेक्ट का प्रॉफिट होता ही होता है, जिसकी वजह से वो आपको एयरड्रॉप्स देते हैं जब भी लिस्टिंग होती है उनके कॉइन की। तो ऐसा ही सेम इनका भी होना था। तो अभी लगभग 80 मिलियन ZK टोकन्स ये दे रहे हैं 47,000 एड्रेसेस को। तो ये बैकलैश बहुत ही बड़ा था कि इन्होंने सही ढंग से एयरड्रॉप नहीं दिया। अब इसी के साथ साथ जो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन बाइनेंस के ऊपर हुआ है ये भी बिल्कुल सही नहीं हुआ, यानी कि जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है। तो बाइनेंस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन 10.5 मिलियन ZK टोकन्स का था जो कि 52,000 यूजर्स को मिलने वाला था। तो यहाँ पे भी सेम ही प्रॉब्लम आई है, यानी कि कुछ एलिजिबल थे और कुछ एलिजिबल थे मिला भी है लेकिन बहुत कम मिला है। तो इसकी वजह से पूरी कम्युनिटी नाराज़ होगी और आप देख सकते हैं ZK कॉइन की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गई है। लेकिन मैं इसको एज ए अपॉर्चुनिटी मानकर चल रहा हूँ कि अगर आप अच्छा प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं 2024 में तो अच्छा प्रोजेक्ट आपके लिए यही है। आप ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करो, इससे पहले IO की हमने बात करी थी, IO जैसे टोकन में इन्वेस्ट करो, इन कॉइन्स में अगर आप इन्वेस्ट करोगे क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट हैं, फ्यूचर प्रूफ प्रोजेक्ट हैं, आज अगर शुरू हो रहे हैं तो हो सकता है 5-10 साल में तो बहुत ही बड़ी इनकम दे सकते हैं। तो इसकी आप अच्छी क्वांटिटी बाय करके रख सकते हैं। एंड हाँ, ऑब्वियसली ट्रेड करने का मौका मिलेगा तो ट्रेड भी करें क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स बार बार नहीं आते हैं। अभी हो सकता है नेक्स्ट कोई लॉन्च पूल आए या फिर नेक्स्ट लिस्टिंग आए बाइनेंस के ऊपर, तो उसकी मैं अपडेट्स आपको सबसे पहले पहुंचा दूंगा। एंड ओवरऑल अगर हम ZK प्रोजेक्ट देखें तो मेरा मानना यही है कि जिस हिसाब से इनके जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, तो इनका कोई प्रोजेक्ट का ख़त्म होना बनता नहीं है, ना ही हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये प्रोजेक्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा, बल्कि प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। एंड IO कॉइन का भी मैं आज भी यही बोलता हूँ, IO कॉइन में आपको मौका मिलता है तो अभी भी आप इसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। IO कॉइन की वैल्यू भी वैसे बहुत ज़्यादा है जो कि $4-5 के आसपास चल रही है, ऑलरेडी $4 के आसपास अभी भी चल रही है और $6-7 तक पहले भी गई है, तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो जैसी प्राइस ड्रॉप आपको देखने को मिले। ZK में प्राइस ड्रॉप आई थिंक काफ़ी ऑलरेडी है, अगर इससे भी ज़्यादा मिलता है तो क्वांटिटी थोड़ा थोड़ा प्रोपोर्शनली बाय करते रहना ताकि आपके पास एक अच्छी क्वांटिटी बन जाए और आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट भी मिल पाए। उम्मीद आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच रहे हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।